हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमको दिखाएंगे सारी की सारी फ्रेश और प्योर वेजिटेबल्स कि ये कैसे उगती हैं। ये गाजर है, अभी हमने आपको गाजर दिखाएंगे। तकरीबन आपको हम 20 सब्जियां दिखाएंगे, वेजिटेबल्स 20 वेजिटेबल्स के बारे में बताएंगे तो ये कैसे होती हैं। अभी गाजर दिखाओ भाई हमको, गाजर, ये गाजर का फसल है, ये अभी छोटी है, ये फिर बड़ी हो जाएगी तो फिर लाल हो जाएगी। ये प्योर वेजिटेबल्स है, फ्रेश फ्रेश। ये गाजर है, और ये क्या है भाई, ये प्याज है, ये प्याज देखो, ये प्याज की सारी फसल, ये प्याज की फसल। इसको भी निकालो, एक प्याज नहीं निकालो, नहीं इसको ये रहने दो, ये बड़ा हो जाए। इसको ये क्या है फिर, ये शलगम दिखाएं भाइयों को। भाई ये शलगम है, ये बड़े हो गए, ये शलगम देखें भाई, ये फ्रेश प्योर, ये प्योर शलगम है, ये सारी फसल शलगम की है। अभी आपको हमने प्याज भी दिखाई, अभी आपको हम पालक दिखाएंगे। ये बच्चा ये इधर काम कर रहा है, ये इसके यही सारी सब्जियां उगाता है यहाँ पर। काम करो बेटे, हम आपसे फिर बाद में इंटरव्यू करेंगे। ये पालक है, इसको हम अंग्रेजी पालक बोलते हैं सिंधी में, ये पालक है, हाँ सिंधी में यही तो बोलते हैं ना। और ये क्या, ये दिखाओ भाइयों को, ये गोभी है, बंद गोभी है, ये गोभी है, ये सारी फसल गोभी की है, ये गोभी है। ये मूली दिखाओ भाइयों को, मूली दिखाओ भाइयों को, ये मूली का फसल है, ये फ्रेश वेजिटेबल्स हैं दादा, ये वेजिटेबल, ये मूली है। बड़ी सी दिखाओ ना कोई, चलो ये भी सही है। और कौन कौन सी फसल है, अब इंटरव्यू पे चलते हैं, इंटरव्यू के माले, फसल के माले आ रही से, उसको तो बाद में इंटरव्यू लेना है ना। इसमें कौन कौन सी विटामिन है सारा कुछ बताएगा ये। अभी ये अभी ध्यान से चलो, ये सब्जियों का नुकसान नहीं करो। सही सही। ये बंदा तू अपना काम कर बेटा। हां सर, काम करने का। बेटा ये क्या है, ये सर मेथी है, ये मेथी है, ये सारी मेथी है भाई, ये फसल मेथी की है। और ये यहाँ पर क्या है, शलगम है, आ जाओ राई, राई, राई। और ये यहाँ पर क्या उगाया हुआ है, ये भी राई है, ये तो सरसों है ना, सरसों, क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, सरसों, ये जो पीले पीले इसके फूल हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसको काम करने दो, तुम लोग आ जाओ, सारे दिखाओ, सारी सब्जी हमको दिखाओ। सारी सब्जियाँ दिखाओ, आ जाओ। ये क्या है, ये गंदम है ना, ये गंदम है, ये मूली खा रहे हैं आप, अभी हम इंटरव्यू करेंगे इससे, तो ये कैसे इतनी सारी के सारी सब्जियां उगाई है इसने। ये मूली है, मूली खा रहे हैं आप, ये शलगम खा रहे हो, कच्चा खा रहे हैं ये, इसमें विटामिन ए डी और भरपूर तरह तवानाई क्या जरिया है, ये फसल का मालिक है, हमने इसे इजाज़ लिया है, इसे आपने खाने की इजाज़ ली है, बाकायदा अभी आप इसके हमारा इंटरव्यू करवाएं, इंटरव्यू कर, अच्छा है, बैठो बैठो बैठो, बैठो सारे बैठ जाओ, अभी आप सारे के सारे बैठ जाओ। ये सारी ये जो सारे के सारे ये वेजिटेबल्स हैं, इसके बारे में हमको कौन बताएगा आपसे, ये हमारा फसल का मालिक। कैमरा में नजर नहीं आ रहे हो, बैठो बैठ जाओ, आपका कद बड़ा लंबा है ना, इसलिए बताओ दोस्तों को। अच्छा, आपका क्या ख्याल है फसल के बारे में? मेरा ख्याल है कि फसल हमारा बहुत बढ़ रहा है, और हमने मेथी भी खाई है, या ये इसने आपको सारी सब्जियां दिखाई हैं, जैसे कि हम शलगम है, मूली है, ये सारे गाजर हैं देख रहे हैं, गोभी है। शलगम कैसे, शलगम करते में आप? जो है विटामिन बी भी होती है और सी भी होती है। विटामिन बी बोन के लिए बहुत अच्छी है, यानी कि हमारे जो मजबूत से जो उसमें होते हैं वो हमारे मजबूत हो जाते हैं। और इनमें अभी जो कहा गाजर यहाँ पर, अभी ये जो आप काम कर रहे हैं यहाँ, इसमें आप क्या उगाए, अभी इसमें क्या लगाओ, कौन सी सीजन है, किस क्या फसल लगाएगा अभी इसमें भाई? अभी देखो आप देखें, कौन सी वेजिटेबल इसमें लगाओगे, ठीक तरीके से तो बताओ ना, मजाक तो ना करो ना कोई, ये आपको आपका वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा ना यूट्यूब पर, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ठीक से तरह से बताओ ना। इसमें मैं भिंडी भी खा रहा हूँ और बसर भी खा रहा हूँ जी। भिंडी हमारे लिए बहुत अच्छी है, देखिए भिंडी तकरीबन 100 से 150 किलो तक जाती है, ये हाँ गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छी है, हम उनको 20-40 रुपए में दे गए। इधर आप, ये सारा ये आपका गांव है सामने से, ये सारा हमारा गांव है, ये वो पास वाला हमारा गांव है, ये लिम्बे है, यहाँ के लोग आप सेहतमंद इसलिए हैं, ये देखें भाई, ये प्योर और फ्रेश वेजिटेबल्स खाते हैं, ये देखें इनकी सेहत भरपूर है,
ये देखें फ्रेश, इनका दिमाग बहुत फ्रेश होता है और ये बड़े चालाक तरह के होते हैं लोग। ये देखो ऐसे ऐसे इसको खरे को बनाते हैं। हाँ, आप बना के दिखाओ एक। ये ऐसे करके पहले ऐसे करते हैं। हाँ, बना ठीक तरह कैसे आराम से बना के दिखाओ एक। ये खरे ऐसे ठीक है। हाय फ्रेंड्स, आपको मेरा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर।